सर अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आपको जानवर लेने जाने का एक अनोखा मंत्र बड़ा दिलचस्प जो है ना ये सीन दिखाने जा रहे हैं। आज सारे दर्दी जमाओं के गए जानवर लेने के, तो हम पहुँचे हैं मंडी। ये अभी थोड़ी सी ये इधर तफरी शुरू हो गई है, हमने जानवर लेना है इंच के मुताबिक। जानवर हमें चाहिए सस्ता सा और हमारे मायार का, तो उसके लिए थोड़ी तफरी हमने मतलब शोहल मस्ती शुरू कर दें, तो थोड़ा सा लोगों को भी इंटरटेन करते हुए चलें और जानवर को भी देखते हुए चलें। तो हम ये पहुँचे हुए मंडी और अभी हम स्टार्टिंग में थे, अब हम जा रहे हैं आगे और लोगों से राय भी लेते हैं, जानवर की सूरत हाल भी देखते हैं। सुना ये है लोगों से कि मंडी जो है सब बहुत हाईफाई चल रही है। चेक कर। अच्छा जी, तो गिरवेश भाई हमारे, उनको कैमरे लाने का बड़ा शौक है भाई, तो अभी ये बातचीत चल रही है व्यापारी से। ये जानवर का नाम लेना शुरू होगा मास्टर इंतजाम। ये जानवर चढ़ाई देख के, अच्छा भाई कितने इंच का निकला ये, क्या है ये बताओ तो सही। सही बारे में नहीं आ रहा है, थोड़ा है। नहीं, थोड़ा चलो आगे जाना पड़े, कुछ दूसरा देखते हैं। चलो तकरीबन इंच के ये हंस क्यों रहे व्यापारी, इससे पूछो तो सही क्या हुआ है। व्यापारी परेशान हुई है, कह रहे ये कर क्या रहे, पहली बार ऐसा खरीदा रहा है जो नाप तोल के ले रहा है। तोल के तो लोगों ने, व्यापारी खुद परेशान हंस रहे हैं। देखे आप, उम्मीद है कि इस ब्लॉग में आप लोगों को सही एंटरटेन करें। और ये हमारे अहमद भाई, इनको भी बड़ा शौक है भाई कैमरे में आने का। ये जानवर के भाई 2.5 लाख रुपये मांग रहे थे, अगर बात नहीं बनी कि आगे चलते हैं, आगे और जानवर लेते हैं। हाँ भाई, क्या सीन है, समझ में आ रहा है कितना इंच का ये? हाँ ये कुछ बारे में कितना आ रहा है? 49। बाबा इनकी जेब लेकर आया, ये पागल है, ये मेरा पूरा नाप के लूंगा। 49 भाई, 49 49 मतलब हमारा ये होता है। अक्सर जी, तो फाइनली हमारा सौदा हो चुका है, हमारा जानवर आ गया है। अब ये जो है थोड़ा सा हल्का जानवर है, छोटा जानवर है, तो जाहिर सी बात है ये बहुत तंग करते हैं और बहुत तेज़ और फुर्तीले होते हैं ना। तो अब इसको हम लेके तो आ गए, इधर उतारते हुए जो है ना बड़ा वो हो रहा है कि भाग न जाए। इतनी मुश्किल से इतनी तकलीफों के बाद ये जानवर मिला है, अब इसकी एहतियाती तदाबीर में लगे मैं तो श्याम भाई बड़े मज़े से, इसमें एक आध रस्सी और डाल लें कि भाई सारे अनाड़ियाँ अल्लाह ना करे भाग गया, किसी को नुकसान दे दे या इसी को नुकसान पहुँचे। इस वजह से कुछ एहतियाती तस्वीर हैं, इंतजाम भाई वो कर रहे हैं अभी। इसमें भी एक आध रस्सी जो है वहाँ से जो रस्सी मिली है बड़ी कमज़ोर है, तो इसमें हम चाह रहे हैं कि एक रस्सी और डाल दें ताकि ये ईज़िली उतार लें इसको, और बिल्कुल टूटने रस्सी का या भागने का कोई ऐसा डर ना होना। तो एहतियात अच्छी चीज़ है, इसलिए ये एहतियात के तौर पर इसमें रस्सी और मज़ीद बढ़ा रहे ताकि ना भाग सके और ना किसी को नुकसान हो ना इसका ख़ुद को नुकसान हो। तो मेरे ख्याल है फाइनली इसको रस्सी जो है वो डल चुकी है, अब इसको अनलोड की तैयारी कर रहे हैं। अब ये उतरते हुए देखना कि अभी कितना ये तंग करेगा और क्या करता है, अब देखना ही है। तो अभी ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये उछल कूद मचा रहा है अभी उतरने से पहले ही। उतरते हुए उतरने के बाद किसी को या इसको किसी किस्म का नुकसान ना हो, बड़े एहतियात से उतारना पड़ेगा इसको। मेरे को दुम कैसे चला रहा है, यानी कि फुल जो रॉकेट लेके आए हम। अब इस रॉकेट को उतरते हुए देखें क्या करता है ये। चलो जी बिस्मिल्लाह करो, उसको उतारने की तैयारी करो भाई। तो अभी तक लगे हुए इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर और रस्सियाँ वगैरह मेरे ख्याल को ज़्यादा ही बांधने में लग गए,
कौन से ओ पकड़वा लो छेड़ इसको छेड़ दो बाइक की मार दो गले मोरे में डाल दो मोरे में डालो अच्छा जी तो फाइनली जानवर उतर गया है इसमें जो है गले में रस्सी डाल के पोल से बांधने में क्योंकि बहुत भाग दौड़ कर रहा है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी थोड़ा सा हमारा हंसी मजाक भी पसंद आया होगा कोशिश करेंगे अगली वीडियो इससे बेहतर बनाए और ज़्यादा फनी बनाए तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।